नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टियां नई नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रही हैं। पारंपरिक वोटों से अलग सियासी पार्टियां दूसरी जातियों पर नजर गड़ाए बैठी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को लेकर अलग अलग तरह से गोलबंदी और लामबंदी शुरू हो गई है। चुनाव में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही बहुजन समाज पार्टी जहां एक तरफ ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाए बैठी हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनौती कम नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ पिछली बार की तरफ वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा है, तो वहीं गैर यादव और पिछड़ी जातियों में दूसरे बड़े दलों के दखल का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने कोर वोटर्स के साथ सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वही कांग्रेस अब दलितों को साधने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश ने जातीय कार्ड खेलते हुए मंगलवार यानी आज से दो दिन के लिए दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से अधिक दलित मतदाताओं को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें रिझाने के लिए यह रणनीति तैयार की है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सभी की नजर अपने अपने वोट बैंक पर है। वोट बैंक का मतलब पहले अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके रखना, उसके साथ साथ दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करना। इस काम में जो जितना कामयाब होगा, चुनावी नतीजे उसके पक्ष में उतने बेहतर होने की गुंजाइश बन जाती है। इस वक्त मेरे साथ नगमा शेख जुड़ गई हैं, लखनऊ से हमारी संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नगमा, उत्तर प्रदेश का सियासी रण सज चुका है, अब अगर हम बात करें तो इस पूरे स्थिति को अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन चार, ये चार मुख्य दल हैं जिनके बीच लड़ाई है। सभी अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनौती सबसे ज्यादा किसकी नजर आ रही है? बिल्कुल धर्मराज, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राजनीति, जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर राजनीति गर्म हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत कम वक्त रह गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को, तो ऐसे में सभी पार्टियाँ पूरे जोर शोर से लगी हुई है वोट बैंक को साधने के लिए। अगर जो बसपा की बात करें, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कराकर ब्राह्मणों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए एक तरफ बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। वहीं अब अखिलेश यादव भी इसके पीछे नहीं रहना चाहते, अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने में जुटी हुई है, पिछड़ों को जोड़ने में जुटी हुई है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करा तो अब दलित स्वाभिमान यात्रा भी करने जा रही है। और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न की बात करिए कि अगर 10 दिन के अंदर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो फिर बड़ा जो है बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो पक्ष है, विपक्ष है, वो सभी पूरे जोरों में लगे हुए। अभी अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आके गए, दो दिवसीय दौरे पर थे, उन्होंने भी बताया कि उनके जो वोट बैंक है वो उन पर ही रहेंगे, कहीं भी नहीं कटने वाले। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं विधानसभा की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में आएंगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, जो मेन विपक्ष है, या कांग्रेस की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं खलबली भी है, जिसको देखते हुए अब और राजनीति तेज होने की चर्चा भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह जातीय राजनीति का समीकरण जोड़ा जा रहा है, जातीय राजनीति का समीकरण बिठाने के लिए सारी ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, वो सभी एकजुट हो चुकी हैं। हालांकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सफाया करने की बात करते हैं कि जनता का मूड अब बदल चुका है, जनता सपा के साथ है, और साथ ही छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं कि गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो छोटे दलों का स्वागत है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ करने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। जो वोट बैंक है वो चाहे पिछड़ा हो या फिर अगड़ा हो, उनको सबको साधने में लगी हुई है। नहीं नगमा, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोके। समाजवादी पार्टी भी यही कहती है, कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है और बीएसपी भी यही कहती है।
लेकिन चलिए नगमा मेरे साथ बने रहिएगा। राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दौरान हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम दलें जातीय गोलबंदी में लगी हुई हैं? देखिए, अभी गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, मैं उसी बात को वापस दोहराने का काम करूंगा जी, कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव का मौका देखते ही नए नए कपड़े पहन करके नए कलेवर और तेवर के साथ जनता के बीच में जाने लगते हैं, उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जनता खारिज करती है। जनता के बीच में जो 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहता है, उनके सुख दुख में सहभागी बनता है, सामाजिक सरोकारों के साथ खड़ा होता है, जनता उसको अपना साथी चुनती है, उस पर भरोसा जताती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो हर विपत्ति के समय में हर सामाजिक सरोकार के साथ जनता के साथ खड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी कहाँ थी इससे पहले, जब कोरोना कालखंड चल रहा था, बसों की फर्जी सूची भेजने के अलावा कांग्रेस के नेतृत्व ने क्या किया? कांग्रेस के नेता आज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? एकमात्र सीट रायबरेली सोनिया जी जहां सांसद हैं, वो अब तक रायबरेली वापस क्यों नहीं आ रही हैं? उनके स्वास्थ्य अगर खराब है तो कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों बनी हुई है? ऐसे कई सारे सवाल हैं, ये सवाल जनता के मन में है और जनता के मन के इन सवालों का जवाब किसी कांग्रेस नेता के पास नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से उत्तर प्रदेश लखनऊ जब भी आती हैं तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपना चेहरा दिखाने का केवल प्रयास करते रह जाते हैं और चेहरा कुछ कई कार्यकर्ता का तो चेहरा भी नहीं देख पाती है, प्रियंका जी वापस दिल्ली लौट जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान कितने भी नए नए नामकरण करके जातियों को लुभाने का प्रयास करे, लेकिन उत्तर प्रदेश अब जाति जमात से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो जनता महसूस कर रही है कि किस तरह से आज कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। वो उत्तर प्रदेश जहां दंगों की परिणति हो गई थी, हर शहर दर शहर, हर जिले दर जिले लगातार दंगे हुआ करते थे, अपराधियों का बोलबाला था और अपराधियों को संरक्षण हुआ करता। अभी तो क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है, आने वाले क्योंकि तमाम पार्टियों की कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, और उसके लिए उत्तर प्रदेश की जमीन सबसे माकूल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती है तो उससे देश के दूसरे हिस्सों में असर पड़ेगा। अगर तमाम पार्टियां एकजुट होती हैं, जिसकी कवायद भी शुरू हो रही है, कुछ नजर आ रहा है, कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उससे निपटने के लिए तैयार है? जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 43% वोट शेयरिंग हासिल की थी, हमारा प्रयास 51% वोट शेयरिंग के लिए है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सारे राजनीतिक दल एक साथ मिल जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकते हैं। इससे पहले भी प्रयास किए हैं, इन्होंने दो युवराज का साथ पसंद किया था लेकिन उत्तर प्रदेश ने वो साथ खारिज कर दिया। बुआ बबुआ का गठजोड़ बनाया था, उत्तर प्रदेश ने उसको भी खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने तरह तरह के समीकरण बनाकर के कोशिश की है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से देखिए पश्चिम में किसान आंदोलन का फैक्टर हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश या ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से साधने की कोशिश हो रही है, नाराजगी की बात कही जा रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष तो मानता है चले लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग अलग तरीके से उसका एक एंगल निकालकर भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? क्योंकि अगर जनता के मन में इस चीज को बिठा दिया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपके लिए चुनौती है कि उस 43% को आप कैसे इंटैक्ट करके रखें। देखिए, जनता इस बात को जानती है कि 1574 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने का काम जब हमने किया है तो वो हमने अपराधियों की जाति मजहब देखकर नहीं किया है। दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति अपराधियों के दम पर खड़ी की है, अपराधियों का सीधा एसोसिएशन इन राजनीतिक दलों के साथ हुआ करता था। क्या उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि जवाहर बाग को किस प्रकार से रामवृक्ष यादव ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मनसा के अनुरूप कब्जा करने का काम किया था और उस कब्जे को छुड़ाने में उत्तर प्रदेश के पुलिस के दो बहादुर सिपाही हमारे शहीद हुए, एक डिप्टी एसपी मुकुल द्विवेदी जी और एक इंस्पेक्टर हमारे शहीद हुए। क्या उत्तर प्रदेश इसको भूल जाएगा कि किस तरह से भूमाफिया के साथ, अपराधियों के साथ कल ही
जिला कोर्ट का फैसला आया है कि आजम खान जी ने रामपुर में जौहर अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बड़ा गेट बना करके उसको कब्जा करने का काम किया था। यानी सरकारी जमीन हो, गरीबों की जमीन हो, महिलाओं की, विधवाओं की जमीन हो, दलितों की जमीन हो, जिस तरह से कब्जा करने का काम पिछली सरकारों ने किया है और अपराधियों को सीधा संरक्षण देने का काम पिछली सरकारों ने किया है, वो जनता भूली रही है और हम उसको भूलने भी नहीं देंगे। हम उसको बार बार याद दिलाते रहेंगे और हमारा जो विकास का मॉडल है अपने विकास के मॉडल के आधार पर आश्वस्त है। अभिजीत वर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो दलित चिंतक हैं। अभिजीत वर्मा जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के नजरिए से देखें तो इस वक्त दो जातियां तमाम पार्टियों के निगाह में हैं, जिसमें एक दलित समाज, एक ब्राह्मण वोट बैंक है। दलित चिंतक आप हैं तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दलितों का मूड क्या है। देखिए, जहां तक सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से एजेंडा सेट करती है, उनका स्वतंत्र रूप से अधिकार है, वो कोई भी एजेंडा सेट कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी दलितों के हित की अगर योजना चलाने की बात करता है तो निश्चित तौर पर बाबा साहब द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान में दलितों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए जो भी संवैधानिक कानून बने हैं उनको पूरी तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज वो दलितों के अधिकार के लिए कोई योजना चला रहे हैं तो जब वो सत्ता में थे तो दलितों के अधिकार की योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए कितना प्रयास किया। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आपने कहा कि कांग्रेस अभी एक यात्रा चलाने जा रही है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में राज्यसभा से पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। उस समय एक ये बात आई कि भाई समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बिल फाड़ दिया। एक ही बिल तो होता नहीं कि बिल फाड़ दिया तो दोबारा बिल पास नहीं होगा। ये बात हमने माननीय राहुल गांधी जी भी कही थी, भाई अगर एक बिल फट गया था तो आपको पास करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। वही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जब मिलता हूं तो बार बार कहता हूं कि साहब कांग्रेस ने ये गलती करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब लगभग 8 साल 7 साल से सत्ता में है तो उसको चाहिए कि उस समय जो उन्होंने सपोर्ट किया था विपक्ष की भूमिका में, पदोन्नत बिल का सपोर्ट किया था, तो आज जब सत्ता में है तो अब बाबा साहब द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल पास करिए। अभी नीट में बैकवर्डों के लिए जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री की उसमें किए गए निश्चित तौर पर वो भी सराहनीय है। तो सवाल ये है कि सभी पार्टियां अपने हिसाब से जो भी दलित वोट का मामला हो या बैकवर्ड वोट का मामला हो या जो भी वोट बैंक के तलाश रहे हैं वो लोग, उनके मुद्दों को उठाने के पहले निश्चित तौर पर उनको उनके संवैधानिक दायित्व के तहत जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उसको उठाने के लिए और उस पर क्रियान्वयन करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए उनको जवाब भी देना पड़ेगा। सर अवधेश वर्मा जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं नहीं समझना चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मुझे भी समझ में आता है, आप जैसे लोग तो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं जनता का मूड समझना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि दलितों का उत्थान हमने किया, नो डाउट बहुत बड़ा रोल उनका रहा है उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए, लेकिन आज की स्थिति में क्या दलित समाज उस पार्टी पर, उस पार्टी के नेता पर एतबार कर रही है? चलिए अवधेश वर्मा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है दलितों को साधने की, लेकिन उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एतराज है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों, नीतियों, नेतृत्व और अपने जो अतीत की हमारी थाती है विश्वसनीयता की, उसके आधार पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके फ्रेम में हर किसी के लिए जगह है, हर जात वर्ग बिरादरी के लिए, ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं है। सबके लिए जगह नहीं है, किसी के पार्टी में किसी के लिए नो एंट्री है, किसी के पार्टी में किसी के लिए नो एंट्री है। और कांग्रेस की अपनी जो कामों की विश्वसनीयता है उसके आधार पर हम चुनाव में जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन दूसरे दल जो अभी सत्ता में है या सत्ता से अभी गए हैं पिछले 32 वर्षों में, सारे देशी दलों को जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया है, वो लोग अपने कामों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, उन्होंने समाज को सिर्फ बांटा है, लड़ाया है, ध्रुवीकरण करके वोट लिया है और अब कोई 5 साल बीत जाने के बाद भी बीजेपी के पास आज कोई उपलब्धि नहीं है, एक काम नहीं बता सकती बीजेपी की हमने ये जी किया है। जी, चलिए, तो वो लोग को सिर्फ यही सहारा है बेतरनी पार होने का, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता इन लोगों को समझ चुकी है कि इन्हीं लोगों ने, गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार किया। जी,
चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। यार दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर 17 दलों के साथ राहुल गांधी का ब्रेकफास्ट जारी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह ब्रेकफास्ट हो रहा है और इस ब्रेकफास्ट के जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से विपक्ष को साधने की कोशिश हो रही है। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं को इस ब्रेकफास्ट में बुलाया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बैठक चल रही है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि इस ब्रेकफास्ट में आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की सत्तारूढ़ दल है, वो शामिल नहीं है और BSP भी इसमें शामिल नहीं हुई है। और ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त ब्रजेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, राहुल गांधी ब्रेकफास्ट पर मौजूद हैं, ब्रेकफास्ट में तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है और यह ब्रेकफास्ट तब हो रहा है जब संसद का सत्र भी चल रहा है। क्या कुछ बातें हो रही हैं, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं और कौन कौन से जो लोग नहीं पहुंचे हैं उसके क्या मायने हैं? चलिए राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, ब्रजेश आपके पास आता हूं। Many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable. But only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle tour. So thank you very much again. तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर बात कर रहे थे और सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो इस ब्रेकफास्ट में शामिल हुए हैं। ब्रेक पर फिर से चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश, इस ब्रेकफास्ट के मायने क्या हैं और इस ब्रेकफास्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो कोशिश है वो किस हद तक सफल हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी ये जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी है दरअसल सरकार को घेरने के लिए है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को घेर करके अपनी जमीन मजबूत की जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मानसून का सत्र का तीसरा सप्ताह है और तीसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लगातार संसद में हंगामा हो रहा है, दोनों सदनों में जो है सदन की कार्रवाइयाँ बार बार बाधित हो रही हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई बहस हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि चाहे वो पेगासस का जासूसी कांड का मुद्दा हो, किसान बिलों को लेकर के बात की जाए या फिर महंगाई का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि विपक्ष पेगासस पर सबसे पहले चर्चा चाहता है, लेकिन जो सरकार है, सरकार चाहती है कि सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो, तो गतिरोध इसी को लेकर के बरकरार है। इस वक्त जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी चल रही है इसमें समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, दो राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये अपने आप में, माफ कीजिएगा, BSP और आम आदमी पार्टी जी, दो राजनीतिक दल से इसमें शामिल नहीं हुए हैं। BSP को तो पहले ही तय था कि BSP नहीं आएगी, BSP को न्योता भी नहीं भेजा गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को न्योता भेजा गया था। पिछली बार की अगर बैठक आपको याद हो तब संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस पूरी बैठक से नाराज है और बाकी जो 16 राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त यहां पर बैठक में मौजूद है। और जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से किसानों के बिलों का विरोध करने का मुद्दा उठाया गया, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो संसद में उठने चाहिए थे लेकिन जो संसद में नहीं उठ पा रहे हैं उसकी वजह से अब विपक्ष लामबंद हो रहा है। और राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात यह है कि कल और आज दो तस्वीरें आपको देखने को मिली,
आज राहुल गांधी के आमंत्रण में 16 राजनीतिक दल एक साथ ब्रेकफास्ट पर बैठे और कल संसद भवन में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की पीछे की तस्वीरें हैं आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैपनिंग्स है, यहाँ पर सुरक्षा भी आपको चाक चौबंद मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे लोग इस बैठक के लिए भी वैसे तो सारे लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के निकलने का भी संभवतः समय है, कुछ लोग निकल भी सकते हैं क्योंकि बैठक खत्म होने वाली है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जो बैठक है वो बैठक फिलहाल अभी विपक्ष की चल रही है और जो विपक्ष की लामबंदी है ये क्या गुल खिलाएगी ये देखने वाली बात होगी। इरादे बिल्कुल साफ हैं कि संसद चलने देंगे, संसद नहीं चल क्योंकि संसद का समय हो रहा है और इस वक्त विपक्ष अभी बैठक में है, संसद भवन जाएंगे, हंगामा होगा, संसद को फिर स्थगित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संसद में जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो गायब हैं, नदारद हैं। वो 3 सप्ताह हो चुका और अभी तक संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है। तो अब विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा, सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जनता की कमाई से ये जो पूरी संसद में हर रोज करोड़ों रुपए खर्च होता है वो इसका भेजा जा रहा है, उसका कहीं कोई उपयोग नहीं हो रहा है और उसकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा। फिलहाल जो सियासी माहौल बनाने की पूरी कोशिश है, बीजेपी के खिलाफ एक पूरा मोर्चा तैयार करने की कवायद की जा रही है। ये ब्रिजेश ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से संसद की दूरी कितना है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो लामबंदी और जो एकजुटता एकता नजर आ रहा है इन 16 दलों में, ये संसद भवन तक पहुंचने तक बरकरार रहेगा? क्योंकि अमन ये देखा जाता है कि बाहर कुछ और बात होती है, संसद में जब राजनीतिक दल जाते हैं तो उनका पूरा प्लान ही बदल जाता है। यही सबसे बड़ी बात यह है कि आप याद कीजिए 2018 की वो तस्वीर जब कर्नाटका में सारे विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, यूं लगने लगा था कि मानो अब एक नया फ्रंट तैयार होगा और वो बीजेपी को एक तरह से हराने में सक्षम होगा, बीजेपी का विकल्प बनने में सक्षम होगा। लेकिन आखिर हुआ क्या, मैं 6 महीने के अंदर ही विपक्ष की सारी एकता धराशायी हो गई, सब एकला चलो की राह पर चल पड़े और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। उसी की वानगी जो है थी कि लगातार विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब आप एक बार फिर वो कवायद की जा रही है, क्योंकि एक बात माना जा रहा है कि अगर आपको बीजेपी का मुकाबला करना है तो विपक्ष को एक होना होगा, लामबंद होना होगा। और उसी कड़ी में ममता बनर्जी को इसकी लीडरशिप जो है की बात की जा रही है कि ममता बनर्जी इसको लीड कर सकती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है सोनिया गांधी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी, राहुल गांधी उस वक्त मौजूद थे और उस समय चाय पर काफी लंबी चर्चा हुई थी तीनों लोगों के बीच में। और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में राहुल गांधी को लीड करने का एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई है, टीएमसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि ममता बनर्जी के एब्सेंस में राहुल गांधी इस पूरे अपोजिशन को लीड करेंगे। संसद के अंदर वो तस्वीर देखने को मिली जब राहुल गांधी प्रेस कर रहे थे और अगल बगल सारे जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद संसद तक साइकिल मार्च करेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उसकी कोई तैयारी? अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोले अगर कुछ तस्वीर दिखा पाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वहां दरअसल सिक्योरिटी ने फिलहाल जो है रोका हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी है क्योंकि अभी मैंने आपको जो कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी वहां पर बहुत सारी साइकिल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ले जाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कार्यकर्ता है जो साइकिलों को लेकर के गए हैं। इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि हो सकता है यहाँ से संसद भवन तक साइकिल मार्च हो, कांग्रेस जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के जो है दरअसल जो प्रोटेस्ट करना चाहती है उस प्रोटेस्ट को सांकेतिक तौर दिखाने की कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल है वो बाकायदा साइकिल से जा करके जो है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था राहुल गांधी ट्रैक्टर में नजर आए थे, तो ये कोई बहुत अलग नहीं होगा कि विरोध करने के लिए राहुल गांधी साइकिल पर भी सवार होते हुए नजर आ जाए, तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। तो कुछ देर हमें इंतजार करना होगा मुझे लगता है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा ब्रिजेश, आगे भी आपके पास हम आएंगे अपडेट के लिए।